नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु आपण माने निश्चित स्ट्रीट फूड विषय तो शुणी आपण मानकर निश्चय एक प्रिय खाद्य मध्य होमती गुपचुप चाट दोसा इडली बरा आलुचप इत्यादि इत्यादि। तेज दर्शक बंधु आज आम जानवा आम भारत में किपर एवं क्यों भावे स्ट्रीट फूड सब या लोक मैंने सबू खाद्य खाई किभली भाव रोगर शिकार होती सहित ठकामीर शिकार होती। तबे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुसारे आज भारत में 100 लक्ष रु ऊर्ध फूड भेंडर्स अच्छा से मध्य 20 लक्ष स्ट्रीट फूड भेंडर्स अच्छा। तबे आपण माने अनुमान करि परुथिबे एमाने खाद्य प्रस्तुति समय किपरि अपरिष्कार करिथांती हेले कोन एमानकु अटकेबा पई केही भी नहंती एपरि अपरिष्कार काम उपरे सरकार प्रतिबंधक काहीं लगाऊ नहंती। जितेबले इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्ट्रीट फूड रो दायित्व नेले एवं स्वादिष्ट गुपचुप मोमो इत्यादि प्रस्तुत कले सेतेबले लोक माने एसबु खाद्य को खाइले एवं बेस पसंद मध्य करबाकु लागिले हेले लोक माने जानि पारु नथिले कि एसबु खाद्य रे एते अपरिष्कार भाबरे तयारी करा जाउछि। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन 2014 रो एक डाटा रु जणा पडिथिला भारत रे शतकडा 53% लोक काम करि सारिबा परे निज हात को धुवंती नहीं, शतकडा 38% लोक खाइबा पूर्वरु हात को धुवंती नहीं, शतकडा 30% लोक खाद्य तयारी करिबा पूर्वरु हात को धुवंती नहीं। सबु अपरिष्कार जीव कुआडे सबु खाद्य को तो ही जीव तेबे जदि केही अजाणत रे एसबु करिछि ताहाले तो किछि दोष नहीं हेले भारत रे लोक माने जाणी सुणी एपरि करुछंती। तेबे एसबु को आपण माने जदि निज आखिरे देखिबे ताहाले ना एही खाद्य खाई परिबे ना आगु को खाइबा पई मन बळैबे। एपरि एक घटना देखिबा को मिलिथला मुंबई रे जोठी खुल्लम खुल्ला भावरे जने गुपचुप व्यापारी अपरिष्कार अपरिच्छन्न होई गुपचुप को बिकुथिले एवं हाथरे ग्लोव्स मध्य पिंधि नथिले जहा द्वारा से निज हाथरे से गुपचुप पानी गोळैबा द्वारा झाळ द्वारा सबु जीवाणु से पानी भितर को जाउथिला हेले लोक माने अति आनंदर सहित ए खाद्य को खाउथिले। निकटरे कटक रे मध्य एभली रेड करा जाउथिला जेउठी गुपचुप अति अपरिष्कार जगह एवं अपरिष्कार पानी रे तयारी करा जायतिबार देखिबा को मिलिथिला। तबे दर्शक बंधु आपण माने कोन भाबुचंती केवल गुपचुप व्यापारी माने अपरिष्कार रे गुपचुप तयारी करुचंती ना बडा पाव छोले बटुरे इडली दोसा घुगनी चाट ए सबु व्यवसायी माने अपरिष्कार भाबरे ही खाद्य प्रस्तुत करिथांती। 2007 स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट अनुसार भारत रे स्ट्रीट फूड रो हाइजीन एवं सेफ्टी दुईटी जाक मैंडेटरी इनग्रेस्ट मिली नथिला। जदि आमे कलिकता कथा कहिबा शतकडा 85% ऑफ कंटेनमेंटशन मिलीथिला। 2007 रे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक पायलट प्रोजेक्ट को पाइबा तयारी करथिले खाद्य उपरे नजर रखिबा दायित्व सरकारंकर नेक्जेंस ओ कॉर्पोरेशन को दिया जायथे। सरकार लगाइथिबा नियम को ठीक से समाने पालन करनति नहीं कॉर्पोरेशन ऑफिसर माने वेंडर मानको ठारु पैसा खाई एभली लोकन को बजार दुकान बसेबा को सुजोग देथांते खाली सेति कि नुह किछि लोक अछंती जो माने कि रोटी रे छेप पके कि तयारी करथांती। आ सबु ठारु मजेदार कथा तो अपन माने निश्चय देखिथिबे टेलीविजन रो विज्ञापन रे आसे आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया आगे हां से खीर रे नळर पानी मिसाई अमूल कुल तयारी करा जाय थाए। नळ पानी मिसा अमूल कुल पीबा द्वारा आम शरीर रे कालिफॉर्म बैक्टीरिया सृष्टि होय थाए। इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रो परीक्षण अनुजाई दिल्ली रो कन्नट प्लेस नामक एक स्थान रे गार्डन एवं एहार मार्केट एरिया रे एही बैक्टीरिया 48% मिलिथिला। किछि किछि स्थान रे मध्य पानी रे काचो मिसे कि पीबा को दिया जाय थाए। अधिकांश लोक मध्य ए सब शिकार हे कि मरथांती एभली परिस्थिति रे आम सरकार हात उपरे हात रखि कि काहे कि बसिछ हेले एही नॉन हाइजेनिक स्ट्रीट फूड उपरे ब्यान कहीं के लगा जाऊ नहीं। सरकार चुपचाप बसिबार किछि कारण मध्य अछि जो लोक माने गरीब से माने अधिक पैसा दे कि खाई परिबा नहीं से माने एभली स्थान रे दिन को दुई थर खाद्य खाई निजर जीवन अतिबाहित करिथांती। स्ट्रीट फूड रे लोक माने सबुठारु अधिक काम करंती जदि एहा को ब्यान कर दिया जाए ताहाले अनेक लोक बेकार होइजिबे। जदि केवल बड़ बड़ होटल रे स्ट्रीट फूड मिलिबो तेबे मोनोपोली अनुसारे खाद्य अधिक दाम रे ही बिक्री करा जिवो आउ एमिति हेले गरीब लोक
ଭୋକରେ ମରିଯିବେ। 2019 ର ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁନିଆରେ 6000 ଲୋକ ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟାନ୍ ନକରି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେମିତିକି ଦୋକାନୀମାନେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହେୟାର କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଇଜେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।